अशरफ 11 और दूसरी तरफ टीम है इम्तियाज 11। दो दोस्तों के बीच में एक बेहतरीन बैटल। बारिश रहेगी तब भी खेलना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि रबर बॉल का रेनी क्रिकेट है, इस क्रिकेट में खेलना पड़ेगा। क्या कुदरत का करिश्मा है, खुला आसमान और खुले आसमान के नीचे ये बसा हुआ, जिस तरीके से समंदर और समंदर के किनारे पर देख सकते हो ये मैच आपको देखने मिल रहा है। बीच क्रिकेट सुनने के लिए जितना मजेदार लगता है, खेलने के लिए उससे भी मजेदार लगता है, लेकिन जब पानी की बहाव बहुत तेजी के साथ आ जाती है तब मुश्किल हो जाता है। अब हाँ, बॉलिंग के लिए अशरफ आप देख सकते हो, ये भी अपने वक्त के फिरकी जादूगर। जी हाँ, अशरफ बॉलिंग के लिए। अशरफ, ओ क्या बात है, इनके हर रन पर टालियां बजनी चाहिए और हर गेंद पर, अच्छी गेंद पर टालियां बजनी चाहिए। बच्चों, यह आपके लिए एक फक्र की बात है कि आज भी वो दम खम नजर आ रहा है इनके खेल के अंदर। तो एक रन खाता खुला है एक रन के साथ। इस बार बहुत ही अच्छी कैच पकड़ ली और बैट्समैन का विकेट। देखा जाए तो एक और इस फॉर्मेट के अंदर आपको एक और का पावर प्ले भी नजर आता है। हेलो हिम्मत, हिम्मत भाई हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो माइक टेस्टिंग
या फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ इस बेहतरीन गांव के अंदर खूबसूरत का खूबसूरत करिश्मा। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर हैट्रिक लेते हैं ये गेंदबाज तो अल कसवा इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम लागू हो सकता है। अशरफ भाई आपके लिए ये इनाम किसी खिलाड़ी को नहीं मिला अभी तक, वो खास आपके लिए स्पेशल ऑफर है। एक और विकेट लो और 1,000 रुपए कमाओ। या फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो दो विकेट दो गेंदों में पहला ऐसा शख्सियत होगी जिन्होंने दो गेंदों में दो विकेट लिए हैं। क्या तीसरा होगा? और ये तीसरा हो सकता है, जी हाँ हो गया। 1,000 रुपए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अल कसवा की तरफ से 1,000 रुपए लागू हो गए। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये स्टंपिंग है। अल कसवा के इस्माइल और फुरकान कहाँ हैं? हाँ, इनके तरफ से 1,000 रुपए का इनाम है। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर वहीं पर रुका हुआ एक बार, और इस बार ये चौका जड़ा है शानदार। देखिए नियाल भाई, एक बात कहता हूँ, जिस तरीके से ये जो बल्लेबाजी चल रही है, इस बल्लेबाजी के अंदर जो नॉन स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका विकेट पर रुकना नहीं बल्कि उसका स्ट्राइक पे आना बहुत जरूरी था। टीम का स्कोर इस गेंद पर कितने रन है अंपायर, हम तक पहुंचाइए। 1 रन, ओके। फिर एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो बॉलिंग पर अशरफ, अशरफ की अगली गेंद, आहा फिरकी का जादूगर, घर 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 सरल चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातात, निर्धाव चेंडू, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। दो ओवर की ओवर, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अशरफ की गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो 1,000 रुपए का इनाम। यूट्यूब पर इनकी क्लिप आपको मिल जाएगी। दो रन देकर 3 विकेटे और 1,000 रुपए, बाप रे बाप। और कुणालाच नाही मिलले अजून पर्यंत, ये है ना मिलले। और ये देखिए आप बच्चों की आवाज आ रही है, बॉलर के लिए आ रही है कि बैट्समैन के लिए आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद बॉलर के लिए आवाज आ रही है। बॉलिंग पर आसिफ, शायद आसिफ के विकेट लेने पर वो आवाज गूंज रही थी, लेकिन ये बात भूल गए कि जो स्ट्राइक पर बैट्समैन है ये बिल्कुल नहीं, इस इलाके का सबसे अच्छे खिलाड़ियों में एक, यानी आज की तारीख में कुछ सालों पहले बाहुबली जो फिल्म रिलीज हुई उस में जिस तरीके से बाहुबली ने कटप्पा को जिस तरीके से जो हादसा पेश आया था, वो फिल्म का जो क्लिप है उसी तरीके से उनका अंदाज है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, उसी तरीके से ये उनका अंदाज बहुत निराला है। ये अपने टीम के बाहुबली है। देखिए अनदर विकेट, बैकफुट पर जाकर फिर एक बार थप्पड़ मारा हुआ स्ट्रोक, चाबुक शॉट, दो गेंदों में दो चौके। यही तो मैंने कहा ना नियल भाई, आपके पास सबसे बड़ा खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइक पर था, आपने 3 विकेट गवाए, उनको स्ट्राइक देनी जरूरी थी। और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ चुका है अब तक 10 पर। फिर एक बार चौका, लगातार 3 गेंदों में 3 चौके। ओह माय गॉड, अरे बाप रे बाप, बैट्समैन आए, ये आग उगल रहा है आग। हाँ, ये एमपीएल का इतना बेहतरीन बैट्समैन बन चुका है कि इनकी बैटिंग आने वाले सीजन तक याद रहेगी सबको। ये एग्जीबिशन मैच में, नुमाइया मैच में, नुमाइशी मैच में क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बैट्समैन। नाम मुस्तकीम मिरकार, दो की मांग, ओहो, दो रन तेजी के साथ पूरे, क्या बात है। मुस्तकीम मिरकार बता रहे कि मुझे रुकना नहीं अपने टीम के लिए, 2 रन 2 रन, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 16 रन पर। फिर एक बार अगली गेंद, ये देखिए इस गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। अगर मैं बात करूं रनों की तो स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए फिर एक बार ऑन ड्राइव के रूप में, और एक खूबसूरत चौका, गेंद चली 4 रन की सैर करने, यानी सैर करने चली समंदर के आगोश में।
एक चौका और जोड़ लीजिए और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़ गया 20 रन पर। बहुत खतरनाक बैट्समैन है भाई, इनके रडार में आप गेंद डालोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई भी गेंद मानो उनके लिए फुटबॉल की तरह है। और दो ओवर में टीम का बढ़ चुका है स्कोर 20 रन पर। यहाँ पर बहुत कमाल के बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने मिली उनके बैटिंग से। हाँ, ये मुकाबला तीन ओवर का होगा, अब तक दो ओवरों का खेल हो चुका है। तीसरी ओवर देखना होगा किस तरीके से करेंगे, कौन वो गेंदबाज होंगे जिनके माध्यम से हमें गेंदबाजी देखने मिलेगी, क्योंकि मुस्तकीम का बल्ला बहुत ही चल पड़ा है तेजी के साथ माशाल्लाह। जब बैटिंग करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि गेंदबाज कौन है। हाँ, त्याचबरोबर गवर्नमेंट सेक्टरमध्ये काम करणारे अंजुम जेतापकर यांचा सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। गावात जसं काय क्रिकेट चालू झालंय, सुट्टी टाकून आलेत, सुट्टी देत नव्हते परंतु सुट्टी टाकून आलेत। आणि आता नवीन गोलंदाज आहे आरिफ चेलकर, ये स्लोवर गेंदबाज आहे, ये देखिए डाइव लगाई जा रही है। अपने वक्त के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक आरिफ, ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते थे बॉक्स क्रिकेट में। इन्होंने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राउंड पर अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। सीधी सीधी गेंद डाली और बैट्समैन को मजबूर किया, बैट्समैन ने सिक्सर नहीं लगाया, अपना विकेट गवाया। और इसी के साथ ये और एक लगता हुआ झटका, 40 वोल्ट का झटका नहीं है, झटका इस वजह से बड़ा लगा है क्योंकि मुस्तकीम जैसा खिलाड़ी स्ट्राइक पर नहीं आ रहा है। फजल भाई, अगर आप रेगिस्तान में हो और अगर आपको प्यास लग जाए तो जिस तरीके से आप प्यास के लिए पानी के लिए तरसते हो, तो उसी तरीके से मुस्तकीम मिरकर भी पानी के लिए नहीं बल्कि स्ट्राइक के लिए तरस रहे हैं। ये समंदर की मिसाल ले लो, अगर समंदर के बाहर मछली को निकालोगे तो वो जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरीके से मुस्तकीम मिरकर को स्ट्राइक नहीं दोगे तो वो मुस्तकीम मिरकर के रन नहीं बनेंगे, टीम का स्कोर नहीं बढ़ेगा। और टीम का स्कोर बढ़ चुका है अब तक 21-21 रन। ये टीम के अंदर खेलने की क्षमता, ताकत और एबिलिटी, काबिलियत सब कुछ बयान करता है। नाम तो सुना ही होगा, मुस्तकीम मिरकर, चौका, क्या बात है, शानदार, बहुत खतरनाक बैट्समैन है। फिर एक बार जगह बनाई, ओ क्या बात है, क्या स्ट्रोक मारा था, फील्डर अपनी जगह से ऐसा हिला मानो उन्हें झटका लग गया, जो ऑफसाइड में फील्डर थे। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार मुस्तकीम मिरकर के पास स्ट्राइक, दूसरे की मांग, लेकिन वहां पर दूसरे रन के लिए जल्दबाजी की और नॉन स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी थे उनका रनआउट के रूप में विकेट गिरा। लेकिन मुस्तकीम मिरकर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने आज फिर एक बार बुरुंडी के इस समंदर के किनारे पर जो हो रहे टूर्नामेंट में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। कैमरामैन थोड़ा उनकी तरफ लेकर जाओ और ये दर्शकों को दिखाओ, टीम का स्कोर हो चुका है 26। अब यहां से 27 रनों का पीछा करना पड़ेगा 18 गेंदों में। वाह, सिर्फ अकेले के 24 रन, वो भी नाम है मुस्तकीम मिरकर, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कुर्सी पे बैठ के बोलना या फिर कुर्सी पर बैठ के या फिर जहां कहीं भी बैठकर बोलकर चर्चा करना, अपन जेव चर्चा करतो ना नियाल भाई, तेव्हा ती नियाल भाई चर्चा करणं खूप सोपं असतो, परंतु क्रिकेटमध्ये क्रिकेट खेळताना जो खिलाडू असतो त्यालाच माहीत असतो की सिच्युएशन काय आहे। आणि अशा सिच्युएशनमध्ये खूप चांगली पद्धतीने फलंदाजी केली मुस्तकीम मिरकरने, अकेले के 24 रन थे, टोटल स्कोर हो चुका है 26, जीतने के लिए 27 की जरूरत। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो दर्शकों की भरमार। ये जिस तरीके से दापोली इवेंट इस चैनल पर यूट्यूब के जरिए आपको ये टूर्नामेंट देखने मिल रही है, 26 रन 27 का लक्ष्य रखा है मैंने, कहा 27 रन बनाने हैं तो 27 रन बनेंगे कैसे किया हमें देखना है। पहली ओवर लेकर आए, बॉलर का नाम बताइए, इम्तियाज इलियास, ओके 27 करिए, 27 27
परत ऐका, 18 बॉलला 27 करायचे. माफ करा, 28 करायचे. देखिए पहली गेंद पर चौका आया, क्या बात है, शानदार चौका जड़ा. कहा ना नियाल ने कि ये जो खिलाड़ी अपने वक्के और जिस तरीके से नियाल भाई के बड़े भाई ने जो कहा वो भी सही है कि मकसूद भाई ने कहा कि आरिफ ये अपने वक्के अच्छे खिलाड़ियों में से एक ये भी माने जाते थे. इनके बैट से आसिफ, इनके बैट से चौका आया और उसके बाद उन्होंने सिंगल निकाला और इस बार देखिए फिर चौका, फिर गैप ढूंढा. स्ट्राइक पर आसिफ, नॉन स्ट्राइक पर आरिफ. देखिए 1000 रुपए का इनाम है. ओहो हो, फील्डिंग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, इस एफर्ट के लिए तालियों की गुंज होनी चाहिए दर्शकों. बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर. स्कोर की मैं बात करूं तो टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन. अच्छा स्ट्रोक लगाया, गैप ढूंढा, फिर एक बार ये मिलता हुआ 4 रनों के लिए चौकार. ये बाउंड्री आ गई, इसी ओवर में देखा जाए तो रन हो चुके हैं अब तक 10 रन. एक रन है, चौका है, अभी का चौका है ना. हाँ यानी रन हो गए कुल 14 रन. हाँ इस बार देखिए गैप ढूंढा और अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई. मुझे उस फील्डर का नाम नहीं पता लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, मुनव्वर. टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन. पहले सत्र में पहली ओवर के बाद टीम का स्कोर जिस प्रकार था अगर देखा जाए तो रन ज्यादा नहीं थे, बस 2 रन का ओवर डाला था और 3 विकेट हासिल किए थे और 1000 रुपए की इनामी राशि हासिल की थी. हमारे बिल्कुल सामने है अशफाक भाई, अशरफ भाई, यस. और अशरफ भाई के बाद जो दूसरा इनिंग में जो पहला ओवर डाला है वो 15 रन का, बहुत खर्चीला ओवर. और ऐसी सूरत में मरता क्या नहीं करता टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज बॉलिंग पर. लेग स्पिनर बॉलर डायरेक्ट हिट करने का इरादा, 1 रन आया. इसके बाद होने वाला मुकाबला तैमीन फाइटर और अल कसवा. हाँ दोनों टीम तैयार रही है, इसके बाद फौरन मुकाबला आपका शुरू हो जाएगा. टॉस के लिए आ जाओ. ये देखिए आगे आकर खेलने की कोशिश की, 1 रन जरूर बना और इस एक के साथ बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 17 रन पर. फिर एक बार मुस्तकिम मिरकर, अच्छा स्ट्रोक मारा है मुस्तकिम मिरकर की गेंद पर, 1 रन जरूर बना और इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, सरकता हुआ स्कोर जा पहुंचा 18 रन पर. 28 करने हैं अब तक 10 की जरूरत और ऐसी सूरत में आसिफ का विकेट. इसके बाद होने वाला मुकाबला माफ करना तैमीद फाइटर और अल कसवा. टॉस के लिए आ जाओ. अच्छा स्ट्रोक और उतनी अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश की, यहां पर रन पूरा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन. देखिए हमारे मकसूद भाई हम तक एक बात पहुंचा रहे कि इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत है.
मुझे जिस तरीके से नेदरलैंड का और वेस्ट इंडीज का वो क्वालिफाई मैच याद आया अभी का रिसेंटली जो हुआ, आपको याद होगा नियाल भाई, जिसके अंदर वो सुपर ओवर में गई मैच और उसके बाद वो 20 रन कैसे बने वो सोचिए आप, क्या मैच बनी थी अल्ताफ, आपको पता होगा 6 गेंदों में 9 की जरूरत, एक बॉल में 1 पर मैच आई। और इस बीच देखिए, ये देखिए क्या हुआ, पहली गेंद पर तो चौका आया था उसमें, उस मैच की मैं अगर बात करूं तो, उसके बाद जिस तरीके से 5 गेंदों में 5 की जरूरत थी और फिर मैच को घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन मैच जिस तरीके से टाई हो गया था और सुपर ओवर में मैच गया था। चेसिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट है। एक रन, इस एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ चुका है 21 रन पर, जीतने के लिए अभी भी 7 रनों की जरूरत। सात रन की जरूरत है और इस बीच देखिए ये एक रन दौड़कर पूरा किया और इस एक के साथ टीम का स्कोर 22 रन। और अब देखिए बॉलिंग के लिए कौन आया है, हमारे मकसूद भाई बता रहे हैं कि बॉलिंग के लिए जो मुजम्मिल आए हैं ये खास कतर रिटर्न है अपने रोजी की तलाश में, अपने वतन को छोड़कर जा चुके थे लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा बारिश का मौसम है, गांव में टूर्नामेंट है, छुट्टी निकाली और पहुंच गए मैदान में। उनकी ओवर में देखिए एक बेहतरीन चौका आसिफ ने, आरिफ ना, वाहिद ने जड़ दिया है और वाहिद के बल्ले से आता वही है चौका, टीम का बढ़ चुका है स्कोर 26 पर। दो गेंदों में 3 रन की, 3 रन, 28 ना, दो से है ना, 3 ना, 28। अब गेंद बची हुई एक और ये वाइड नहीं है ना, अंपायर साजिद, अंपायर साजिद, साजिद हम तक ये डिसीजन पहुंचाइए। हाँ अंपायर से बहस मत कीजिए, चला चला सगलानी मंगतीवा, चला चला गोंधल नको करू, सगलानी मंगतीवा, चला अंपायर डिसाइड करतील की आउट है कि ना है। अंपायर का डिसीजन अभी भी आना बाकी है कि अगर वो आउट है तो आउट होने के बाद क्या वो वाइड था, और अगर वो वाइड था तो फिर एक गेंद में 1 रन की जरूरत या फिर एक गेंद में 2 रन की जरूरत। अब तक तो 7 रन हो चुके हैं, क्या है अंपायर का डिसीजन? साजिद भाई हम तक पहुंचाओ, हाँ अंपायर से बहस मत करो, देखिए अगर अंपायर ने डिसीजन दे दिया तो आप बहस मत कीजिए, अगर ये वाइड है तो एक बॉल 1 की जरूरत है और अगर ये वाइड नहीं है तो एक बॉल 2 रन की जरूरत है, लेकिन अंपायर ने वाइड दे दिया इसका मतलब एक बॉल और 1 रन की जरूरत, बिल्कुल हाँ 2 बॉल 1। आसिफ भाई थमा थमा, थोड़ा शांत हवा काय ना होणार, सगळा बेस होईल तुमच्या मंगती अशफाक भाई, बघा किती खुश आहेत, 1000 रुपये बक्षीस मिळलंय त्यांना, या पुऱ्या टूर्नामेंट मध्ये कुणाला नाही मिळलंय। अशरफ मस्तानला बघा 1000 रुपये बक्षीस मिळलंय, आज सांची पार्टी त्यांच्या इकडची तुमच्या टीमला, चला चला पटकन घ्या खपवा पटापट तुमची मीटिंग। देखिए इसके बाद जो मुकाबला होगा अल कसवा और उसके सामने भिड़ने वाली जो टीम है वो टीम रहेगी तहमीद इलेवन,
तहमीद फाइटर, ओके तहमीद फाइटर और अलकसवा इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा, 3 ओवर का मुकाबला होगा। टॉस जीता है और 3 गेंदबाज होंगे, 1 ओवर सर्कल की रहेगी, इन्हें पावर प्ले की ओवर और उसके बाद चलो चलो फटाफट। चलो आसिफ भाई बाहर आ जाओ, आसिफ भाई ग्राउंड चा बाहर या अंपायर जो निर्णय बरोबर होईल होय काय घाबरू नको, चिताल टेंशन नको घेऊ, एक बेसोनी ट्रॉफी है इंशाल्लाह एग्जिबिशन मैच ला, काय घाबरू नको, चला चला मैच चालू करा पटकन। साजिद भाई अजून 2-3 मैच बाकी आहेत, ओ साजिद भाई मासूम भाई, मासूम भाई जल्दी लो फटाफट, इसके बाद और 2-3 मैच खिलाने, घड़ी का काटा भी देखिए तेजी के साथ बढ़ रहा है, 4:45 हो गए, ये भी सोचिए कि मगरिब भी होनी है। मैच की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आप देख सकते हो दो गेंदों में एक रन की जरूरत थी और इस बार इस मुकाबले को जीत लिया। अरे जीत लो, मंगती जागा है क्या, मंगती मन भाई